अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, पाकिस्तान नेशनल T20 कप के कांटेदार मुकाबले जा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जा रहे हैं। आज भी दो मैच खेले जाने हैं। आज के मैच की बात की जाए तो पहला मैच खेला जाना है नदरन बिटवीन सेंट्रल पंजाब, जबकि दूसरा मैच खेला जाना है केकटी के बिटवीन सदरन पंजाब। आज दो मैच खेले जाने हैं, बड़े कांटेदार मुकाबले होंगे। नदरन इस वक्त स्टैंडिंग की बात की जाए तो पहले नंबर मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक मैं छोटे से गुजारिश करता हूं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चुपके से बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तफसीलात की जानिब। तो आज दो मैच खेले जाने हैं, पहला मैच नदरन बिटवीन सेंट्रल पंजाब, जबकि दूसरा मैच केपीके बिटवीन सदरन पंजाब। और अगर स्टैंडिंग की बात की जाए कि कौन सी टीम कितने पॉइंट के साथ ग्रुप में मौजूद है, तो तकरीबन 6 टीमें हैं और सबसे पहले नंबर पर है नदरन, जो कि दो मैच खेले हैं, उन्होंने दोनों मैच जीते हैं। पिछले टूर्नामेंट की फाजिल टीम है और टाइटल का दिफा कर रही है। दूसरे नंबर पर सिंध है, जिन्होंने दो मैच खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। तीसरे नंबर पर है सेंट्रल पंजाब, जिन्होंने दो मैच खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। चौथे पर है बलूचिस्तान, जो दो मैच खेले हैं, एक जीते हैं एक हारे हैं। पांचवे पे है केपीके, जिन्होंने दो मैच खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। और आखिरी नंबर पर है सेंट्रल पंजाब, दो मैच खेले हैं, दोनों हार गई हैं बदकिस्मती से। और आज फिर इनका सामना होगा केपीके के, जबकि नदरन का मुकाबला होगा सेंट्रल पंजाब से। और दोस्तों कल के मैच की बात की जाए तो बलूचिस्तान बिटवीन केपी का पहला मैच था। बलूचिस्तान 152 रन 9 विकेटों के नुकसान बनाए थे, जो कि केपीके ने बड़ी आसानी से 157 रन बनाए 17 ओवर में 2 विकेटों से और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और दूसरे मैच की बात की जाए तो सेंट्रल पंजाब बिटवीन सिंध के दरमियान ये मैच खेला गया। सेंट्रल पंजाब ने 154 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में सिंध ने 155 रन 18.5 ओवर में 155 3 विकेटों के नुकसान बना लिए और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। शर्जील की बड़ी अच्छी बैटिंग थी, जिन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली। और दोस्तों आज मैच की तमाम तरह अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगी, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।